सभी को जय हिंद। आज चर्चा करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं जो विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं और उनके विभिन्न नाम हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों से दिए गए हैं। तो अभिप्रेरणा जो क्षेत्र है आपका, मुख्य रूप से उसमें अभिप्रेरणा से संबंधित बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं। आइए जानते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत को। तो इसमें पहला सिद्धांत है, फर्स्ट नंबर पर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक प्रवर्तक जो हैं मैकडूगल महोदय रहे हैं। और इसी सिद्धांत को हार्मिक थ्योरी ऑफ बिहेवियर कहते हैं। इसका वर्णन मैकडूगल महोदय ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में किया है। और यदि शब्द मूल प्रवृत्ति की बात करें तो मूल प्रवृत्ति शब्द जो सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग जो विलियम जेम्स ने किया था, तो इसमें मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई थी। दूसरा सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसका प्रतिपादन व्यवहारवादियों ने किया था। व्यवहारवादियों द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का समस्त व्यवहार उद्दीपन के परिणाम स्वरूप शारीरिक अनुक्रिया है। मानव कुछ उत्तेजना पाने पर ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है, अन्य जीव भी इसी प्रकार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार चेतना अचेतना में किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। व्यवहार ही स्वयं में एक विशिष्ट अनुक्रिया है तथा मानसिकता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन यह सिद्धांत भी अधूरा है तथा उद्दीपनों से होने वाली क्रियाओं की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत। बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है ये। इसका प्रतिपादन फ्रायड यंग एडलर ने किया था। फ्रायड का ही नाम आगे आता है इसमें। तो मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसमें साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय सुविख्यात मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड को जाता है। फ्रायड के अनुसार सभी व्यवहार दो परस्पर विरोधी मूल प्रवृत्तियों का प्रतिफल होता है। प्रवृत्तियां जीवन प्रवृत्ति तथा मूल प्रवृत्तियां हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति से व्यक्ति का विकास होता है तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति से व्यक्ति विनाशात्मक कार्यों तथा मारपीट, हत्या, आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है। जीवन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा को फ्रायड ने लिबिडो कहा है, जिसका मुख्य संबंध लैंगिक क्रियाओं से होता है। फ्रायड के अनुसार यौन तथा आक्रमणशीलता दो प्रधान अभिप्रेरण हैं, जो बाल्यकाल से ही व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। जब माता पिता या अभिभावकों द्वारा इन अभिप्रेरकों का दमन किया जाता है तो ये अभिप्रेरक अचेतन मन में चले जाते हैं, जहां से वे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। फ्रायड के अनुसार इन अचेतन अभिप्रेरकों की अभिव्यक्ति स्वप्न, मानसिक रोगों के लक्षणों, दिन प्रतिदिन की मनोवृत्तियों आदि में मुखरित होता है। फ्रायड के अनुसार जीवन मूल प्रवृत्ति आनंद, जिसको आप इरोज कहते हैं, इरोज द्वारा निर्देशित होता है, जिसमें संरक्षण, संतानोत्पत्ति, आत्मप्रेम तथा स्वयं की योग्यता बढ़ाने तथा समझने की प्रवृत्ति विद्वान होती है। दूसरी ओर मृत्यु मूल प्रवृत्ति कष्ट, जिसे थैनाटोस कहते हैं, व्यक्ति स्वयं अपने और दूसरों की क्षति पहुंचाता है। फ्रायड के अनुसार जीवन मूल प्रवृत्ति आनंद, इरोज जो होता है, के दो स्तर हैं, इड, इदम तथा अहम, ईगो, जबकि कष्ट मूल प्रवृत्ति की स्थिति इदम, इड पर स्थित रहती है। फ्रायड के अनुसार अचेतन तथा अचेतन मन में, जो कि इदम एवं अहम में ही स्थित होते हैं, तथा आनंद एवं कष्ट और उनके संयोग से जनित इच्छा मानव व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं।
अगला सिद्धांत है चार पांचवें नंबर पर मांग का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, आत्मीकरण सिद्धांत, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। तो ये अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत, अभिप्रेरणा का आत्मीकरण सिद्धांत, अभिप्रेरणा का आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक सुप्रसिद्ध अमेरिका के मनोवैज्ञानिक अब्राहम हैरोल्ड मास्लो ने किया था और इनकी पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन ये इनकी पुस्तक थी। और मांग के सिद्धांत में इन्होंने जो बताया है ये सिद्धांत 1954 में दिया गया था। यह सिद्धांत व्यवहारवादियों तथा मनोविश्लेषणवादियों से भिन्न है। उसके अनुसार अभिप्रेरणा प्रक्रिया में आवश्यकताओं की महती भूमिका होती है। मास्लो ने आवश्यकताओं को श्रेणीबद्ध कर एक पदानुक्रम प्रस्तुत किया। उसके अनुसार आवश्यकताओं के विविध स्तर होते हैं। जैसे ही एक सामान्य आवश्यकता की पूर्ति होती है वैसे ही उच्च स्तर की दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है। इस प्रकार क्रमशः एक के बाद एक आवश्यकताएं क्रमानुसार उत्पन्न होती रहती हैं। आवश्यकता स्तरीकरण के इस सिद्धांत के अनुसार अंततः जिस आवश्यकता का उदय होता है उसे आत्मीकरण की आवश्यकता कहते हैं। मास्लो ने आवश्यकताओं को अपने जो क्रम में निर्धारित किया है वो पहली आवश्यकता है दैहिक आवश्यकताएं, दूसरी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, तीसरी प्रेम तथा संबद्धता संबंधी आवश्यकताएं, चौथी आदर संबंधी आवश्यकताएं जिसको स्टीम नीड्स कहते हैं, और पांचवी आत्मवास्तविकरण संबंधी आवश्यकताएं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मास्लो के अनुसार इन आवश्यकताओं का स्तरीकरण करने पर सबसे नीचे अर्थात आधार में दैहिक आवश्यकता आएंगी, दैहिक जिनको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, और सर्वोच्च स्तर पर आत्मवास्तविकीकरण की आवश्यकता आएगी। नेक्स्ट में है आपका एटकिंसन का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। एटकिंसन का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, इसके प्रवर्तक एटकिंसन व फीदर रहे हैं। नेक्स्ट में है प्रत्याशा सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, इसके प्रतिपादक उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर विक्टर एच ब्रूम ने दिया था। तो इसके प्रतिपादक प्रोफेसर विक्टर एच ब्रूम हैं और ये यूपीटीटी में क्वेश्चन आ चुका है कि मांग का प्रत्याशा सिद्धांत, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया। उसमें चार मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए होते हैं और उसमें उत्तर होता है विक्टर एच ब्रूम। तो इस सिद्धांत में प्राणियों द्वारा किए जाने वाला लगभग सभी प्रयासों तथा उपलब्धियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक अभिप्रेरण बल या अभिप्रेरणा को माना जा सकता है। यह अभिप्रेरण बल प्राणियों को इच्छित लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। अतः इस संबंध में भी मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, शिक्षा विशेषज्ञों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों आदि ने विशेष रुचि ली और अपने अपने विचारों के आधार पर अभिप्रेरण या अभिप्रेरण बल की व्याख्या करने का प्रयास किया। इन प्रयासों की श्रृंखला में प्रोफेसर विक्टर एच ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत 20वीं सदी के लगभग 7वें दशक 1964 से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे विक्टर ब्रूम को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो इसमें प्रबंधन और मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा में रहने वाले येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्टर एच ब्रूम ने 1960 में संस्थानों में मनोविज्ञान के सफल अनुप्रयोग के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए वे अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने विशेष परिस्थितियों में लिए जाने वाले निर्णयों की प्रभावशीलता के विषय पर वर्ष 1964 में वर्क एंड मोटिवेशन के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित करवाई। इस पुस्तक में इनके अभिप्रेरण के प्रत्याशा सिद्धांत एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की सबसे पहली बार व्याख्या प्रस्तुत हुई।
इसके लगभग 9 वर्षों के अंतराल पर लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग के नाम से वर्ष 1973 में इन्होंने अपने एक सहयोगी येटन के साथ अपने प्रत्याशा सिद्धांत एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की एक अन्य व्याख्या प्रस्तुत की। लेकिन कुछ अन्य स्तरीय अध्ययन और शोधों के पश्चात सन 1988 में प्रोफेसर एक्टर विच ब्रूम ने अभिप्रेरण के प्रत्याशा सिद्धांत को अपनी रचना द न्यू लीडरशिप मैनेजिंग पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस में विकसित रूप में प्रस्तुत किया। चूंकि वर्तमान समय में अनेक अभिप्रेरण सिद्धांत प्रस्तुत हो चुके हैं, अतः अभिप्रेरण के सिद्धांतों को दो वर्ग में बांटा गया है, अंतर्वस्तु सिद्धांत, और एक वर्ग जो आता है अंतर्वस्तु सिद्धांत का, दूसरा वर्ग है प्रक्रिया सिद्धांत का। अभिप्रेरण के प्रथम वर्ग के सिद्धांत जो है प्राणियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर विशेष बल देते हैं, जबकि इसके दूसरे वर्ग के सिद्धांतों के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जो अभिप्रेरण की आवश्यकता को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो द्वारा प्रस्तुत अभिप्रेरण का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, फ्रेडरिक हार्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत, डगलस मैकलेगर का एक्स एवं वाई सिद्धांत, मैकलीलैंड का आवश्यकता सिद्धांत, उपलब्ध सिद्धांत जो है, जैसे सिद्धांतों को अंतर्वस्तु सिद्धांतों की श्रेणी में रखा गया है। पुनर्बलन सिद्धांत, लक्ष्य प्रवणता सिद्धांत, सम्यता सिद्धांत आदि को प्रक्रिया सिद्धांतों के रूप में रखा गया है। विक्टर ब्यूम का यह सिद्धांत दूसरे वर्ग के सिद्धांत अर्थात प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत वर्तमान समय में मुख्यतया औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, और अब मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस सिद्धांत का अनुप्रयोग राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक आदि क्षेत्रों में भी करने की संभावना तलाश रहे हैं। अभिप्रेरणा का यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि मानव जीवन के अनेक व्यवहार विकल्पों में से उसी एक व्यवहार को चुनता है जो उसे लक्ष्य प्राप्ति का सुख प्रदान करे और दुख या कष्टों में कमी या उन्हें दूर करने में सहायक हो। इच्छित परिणाम प्राप्ति या लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे कार्य करने वाली प्रेरणा के प्रभाव को इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण मानकर उसे अभिप्रेरणा बल के नाम से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट में है आपका क्षेत्र सिद्धांत, वेक्टरकर्षण सिद्धांत, वातावरणीय सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक कर्ट लेविन महोदय रहे हैं। कर्ट लेविन क्षेत्र अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत, वेक्टरकर्षण सिद्धांत और इसको वातावरणीय सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट में जो आपका बनता है प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, क्लार्क लियोनार्ड हल ने प्रतिपादित किया था, जिसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं। तो इसमें आपका क्लार्क लियोनार्ड हल द्वारा प्रतिपादित किया है प्रणोद न्यूनता सिद्धांत। नेक्स्ट में है आपका विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, जिसे रिचर्ड सोलोमिन एवं कार्विट ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट में 12वें नंबर पर है प्रेरकों से संबंधित कार्यात्मक स्वायत्तता का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन GW आलपोर्ट महोदय ने किया था। 13वें नंबर पर दिया है वास्तविक अभिप्रेरण सिद्धांत अथवा आंतरिक अभिप्रेरणा सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हार्लो महोदय हैं। नेक्स्ट में है आपका डी मैकलीलैंड का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, तो डी मैकलीलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था और इसके भी प्रतिपादक डी मैकलीलैंड है, उन्हीं के नाम पर है डी मैकलीलैंड का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत।
और इस मैकलीलैंड महोदय ने निष्पत्ति या उपलब्धि प्रेरण से तात्पर्य एक ऐसे प्रेरक से है जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मैकलीलैंड ने अभिप्रेरण की व्याख्या करते हुए कहा कि अभिप्रेरण दो तथ्यों पर आधारित होता है, वातावरणीय घटना प्रथम और दूसरी व्यक्ति में अंतस्थ संकेत को पुनर्जीवित करना। उदाहरण के लिए कोई बालक जब अपने शिक्षक को बहुत दिनों बाद देखता है तो शिक्षार्थी द्वारा शिक्षक के देखे जाने प्रत्यक्षण का प्रभाव शिक्षक प्रत्यक्षण एक संकेत का काम करता है जो कि उस बालक को भावात्मक अनुभूतियों को जागृत करता है तथा समस्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को पुनः स्थापित करता है। इस प्रकार निष्पक्ति अभिप्रेरण के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, वातावरणीय संकेत तथा व्यक्ति की भावात्मक जागृति। डेविड मैकलीलैंड ने विभिन्न आयु वर्ग तथा विभिन्न राष्ट्रीयताओं के बालकों को विभिन्न प्रयोगशालाओं में रखकर अध्ययन किया। अध्ययन के उपरांत उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उपलब्धि अभिप्रेरण को लोग मिलते जुलते अभिप्रेरण के रूप में लेते हैं, अर्थात असफलता से बचने का अभिप्रेरण या अनुमोदन खोने के डर से संभ्रम में पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बालक अपनी परीक्षा की तैयारी यदि लगन से और परिश्रम से करता है तो संभव है कि उसे परीक्षा में सबसे अच्छे अंक या अधिक अच्छे अंक प्राप्त हों, अभिप्रेरक अर्थात उपलब्धि अभिप्रेरक अधिक हो। परंतु यह भी संभव है कि वह समझता हो कि यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो वह असफल हो जाएगा और उसे माता पिता से प्राप्त सामाजिक अनुमोदन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मैकलीलैंड तथा उनके सहयोगियों ने अपने अध्ययन को डी मैकलीलैंड की निष्पत्ति या उपलब्धि अभिप्रेरण सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट मेरे है हेनरी ए मरे का अभिप्रेरण सिद्धांत। तो हेनरी ए मरे का अभिप्रेरण सिद्धांत जो है आपका मरे महोदय ने दिया था। अगला 16 नंबर पर है अभिप्रेरणा का शारीरिकी सिद्धांत, इसके प्रवर्तक मार्गन महोदय रहे हैं। 17 नंबर पर दिया है वाइनर का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, इसको दूसरे नाम से जानते हैं गुणारोपण सिद्धांत, इसके प्रवर्तक वाइनर महोदय हैं। नेक्स्ट में है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या द्विकारक सिद्धांत, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, इसके प्रतिपादक हर्जबर्ग महोदय रहे हैं। और 19वें नंबर पर जो दिया है मैकग्रेगर थ्योरी एक्स और वाई थ्योरी, तो मैकग्रेगर थ्योरी जो है मैकग्रेगर महोदय ने दी थी। 20 नंबर पर जो दिया है आपका ERG थ्योरी, इसके प्रतिपादक एल्डरफर महोदय रहे हैं। और ये ERG थ्योरी जो है इसमें ERG है एग्जिस्टेंस और R है रिलेटेडनेस, G है ग्रोथ। ERG थ्योरी एल्डरफर महोदय के द्वारा दी गई है। 21वें नंबर पर जो सिद्धांत लिखा है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जॉन स्ट्रेसी एडम ने दी थी। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जॉन स्ट्रेसी एडम ने दी थी। और 22 नंबर पर दिया है इसमें अभिप्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत जो है स्किनर महोदय ने दिया है और अधिगम के इनके प्रयोग भी पढ़ते हो आप स्किनर के। दोस्तों हमारा वीडियो देखिएगा और इसमें कोई आपके सुझाव हो तो हमें कमेंट करिएगा। स्किनर जो हैं आपके ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार या पुनर्बलन को आवश्यक तत्व माना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।